आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में स्टेट किया गया है कि कोई पर्सन अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं और कोई ना कोई इन्फेक्शन इन्हें हो जाता है, और डॉक्टर का ये कहना है कि ओल्ड एज की वजह से इनकी इम्यूनिटी लो हो गई है, तो दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं और इम्यूनिटी लो हो गई है। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन में चारों ही हमें ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं, थायरॉयड ग्लैंड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और थाइमस। और हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। मगर अगर अपने ऑप्शंस को देखें तो पहले तीन जो हैं उनका इम्यूनिटी के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। हमारी थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए जानी जाती है, जिसका हमारी बॉडी में काफ़ी सिग्निफिकेंस है। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड की भी जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इम्यूनिटी की जब हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ थाइमस ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके वीक हो जाने की वजह से या जिसके फंक्शन ना करने की वजह से इम्यूनिटी ख़राब हो सकती है, क्योंकि थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जो कि सिर्फ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का ही हिस्सा नहीं है बल्कि इम्यून सिस्टम का भी। इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी गिनती हमारी बॉडी के प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होती है। हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में घुस जाता है, कोई भी पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट आ जाता है, तो इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि इन पैथोजेंस को फाइट किया जाए या इस इन्फेक्शन से किस तरह से बचा जाए। और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्लड का। तो हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, वो होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, जो कि एंटीबॉडीज बनाने में भी हेल्प करते हैं। और हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स का यही काम होता है कि हमारी बॉडी में ये एक साइट होते हैं, ये वो जगह है हमारी बॉडी में जहाँ पर इन लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट्स बनते भी हैं, इनकी डेवलपमेंट भी होती है, यानी इनकी मैच्योरेशन भी होती है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बॉडी में दो ही होते हैं, एक तो होती है थाइमस और दूसरा होता है हमारा बोन मैरो, जहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो हमारे ब्लड में जाके पैथोजेंस को फाइट करेंगे। तो थाइमस का असल में अगर हम अपनी बॉडी में लोकेशन देखें तो ये हमें चेस्ट रीजन में मिलती है, हमारी जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे थाइमस एक बहुत ही छोटा सा टाइनी स्ट्रक्चर हमें मिलता है, और हार्ट के पास में ये होता है। देखा ये जाता है कि जन्म के समय थाइमस का साइज काफ़ी बड़ा होता है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन तो होता ही होता है, लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन और इनके प्रोलिफ्रेशन में तो इसका रोल होता ही है, साथ ही साथ इसका एंडोक्राइन रोल भी है। थाइमोसिन्स नाम के हार्मोन सिक्रीट करता है जो अगेन इम्यून रिस्पॉन्स में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन उम्र के साथ देखा जाता है कि धीरे धीरे इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता जाता है। जन्म के समय काफ़ी इसका कॉन्स्पिक्यूअस साइज़ होता है, लेकिन एडोलेसेंस तक पहुँचते पहुँचते बड़े होते होते बिल्कुल ही इसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। और यही रीज़न है कि बच्चों में इन्फेक्शन से फाइट करने की अच्छी एबिलिटी होती है, लेकिन ग्रोइंग एज के साथ थाइमस की ही डीजनरेशन की वजह से इम्यूनिटी भी घटती चली जाती है। तो ये सारे ही एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स हमें दे रखे हैं, सबका अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन ओल्ड एज में बार बार क्यों बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी क्यों कम हो जाती है, उसका कारण यही है कि जन्म के समय तो हमारे हार्ट के पास में ब्रेस्ट बोन के अंडर ये थाइमस नाम की ग्लैंड होती है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे खूब सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, ताकि इन्फेक्शंस को फाइट कर सकें हमारी बॉडी में। लेकिन समय के साथ ये छोटा होता चला जाता है साइज़ में, और इसके रिड्यूस होने के बाद इम्यूनिटी भी लोअर हो जाती है। तो ऑप्शन डी,
थाइमस वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का रोल प्ले करता है, और एज के साथ इसी के साइज में रिडक्शन की वजह से इम्यूनिटी में भी रिडक्शन आता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।